करता है, कहते पांचवे आका बहुत ज्यादा अमीर हो गए। जनाब सहरा की सीरत से हर हर चीज से हमें अपनी जिंदगी में नमूना पैदा करना है। कहते पांचवे आका बीमार हो गए, मौला है कि बिस्तर सोच नहीं पा रहे, अलालत है आपके पास, जोफ है। कहते मौला ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक कासे आप मेरे लिए लेकर आओ, एक पानी का प्याला भर के मेरे पास लेकर आओ, बैरन कासे आप लेकर आए। रावी नकल करता है कि मैंने देखा कि आका की जबान पर कोई फिकरा है, आका वो चंद मरतबा तकरार करते हैं और उस पानी पर दम करते हैं। कहते रावी कहता है मैं नजदीक हुआ, मैंने क्या देखा कि आका के लब हिल रहे हैं और जबान पर है या सहरा या सहरा या सहरा। कहते ये चंद असमा को, इसी असमा को चंद मरतबा तकरार किया और उस पानी पर दम किया। रावी कहता मैंने देखा आका ने उस पानी को पीना शुरू किया। कहते अभी पानी आका के गुरु से नीचे उतरना चाहता था, आका उठकर बिस्तर पे बैठ गए। एक सलवात दे दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी की जिंदगी हर हर पहलू हमारे लिए नमूने अमल है। शहजादी का शहजादी गौर मकाम पे हमारे और आपके लिए कहती नजर आती है। शहजादी फरमाती है सिलतुल अरहाम मिसनात फिल उम्र, सिलतुल अरहाम बहुत प्यारी हदीस है, सिलतुल अरहाम मिसनात फिल उम्र। शहजादी फरमाती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्रें तुलानी हो, तुम्हारी जिंदगियों में खैर बरकत आए, तुम्हारी मुश्किलों परेशानियां दूर हो, तुम्हारी गिरफ्तारियां दूर हो, और आज जो मुसीबतें जो हर घर में आई हुई है, अगर चाहते हो उन सबको बरतरफ करना, शहजादी फरमाती सिले रहम बजा लाओ, सिले रहम बजा लाओ कि ये उम्रों को तुलानी करती है और जिंदगियों में खैर बरकत लेकर आती। आज हमारी जिंदगियों में जो खैर बरकत छिन गई है उसकी वजह खुद हम लोग हैं। बहुत से घर ऐसे हैं कि जहां गए तो गए कहने वो खूनी रिश्तों में हमने दूरियां होगी, भाई भाई को देखना गवारा नहीं कर रहा, बहन भाई को देखना गवारा नहीं कर रही, बेटा बाप से दूर हो गया, मां बेटे से दूर हो गई। अगर उन घरों में अगर मुसीबतें ना आए तो और क्या आएंगी, वहां रहमतें आएंगी। जहां वालदैन नाराज होंगे वहां रहमतें नाजिल होंगी, जहां इज्जत वकारी दूर होंगे नहीं अजीब हो, वहां ये सारी दूरियां सारी परेशानियां आती चली जाएंगी। आजमा कर देख लो जिंदगियों में जो खैर बरकतें छिन गई है, सिले रहम बचा लाने लगो देखो अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में कैसे खैर बरकतें। क्योंकि शहजादी का कलाम है, जनाब जहरा का कलाम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान की उम्र को कोताह कर देती है, उसमें से पहली चीज कि सिले रहम का बजा न लाना, सिले रहम करना छोड़ देना। कि जब इंसान के पास जब तक था जब तक न था तो सब थे, जब हो गया तो कोई नहीं रहा। जब इंसान के पास पैसा न था सब थे, सबसे मिलता था, जब जेब भर गई सब दूर हो गए, कहीं ऐसा ना हो कोई कुछ मुझसे मांग ले, कहीं कोई ऐसा ना हो मुझसे आकर कोई अपनी हाजत बयां कर, दूरियां होती चली गई। अल्लाह से मांगा करता था, लोगों को देखा करता था, लोग गाड़ियों पे चले जा रहे, फटाके जा रहे, मतलब खड़े होकर देखता था इंसान और कहता अगर अल्लाह ने मुझे ये दे दी होती गाड़ी तो मैं तो पूरे महल्ले को बिठाकर घूमता रहता। अल्लाह ने कहा तो तुम्हें भी दे देता हूं, तुम्हें भी दे देता हूं। चार दिन तो बिठाया, पांचवें दिन जो सारी चीजें दूर होती चली गई। नहीं अजीज, अल्लाह ने जो नियमतें हमें दी हैं उनको दूसरों में भी तकसीम किया जाए। शहजादी कौनैन से सीखा जाए, उनकी सीरत से सीखा जाए। शहजादी खुद भूखा रहना गवारा करती थी, लेकिन दर पे आए हुए साहिब को कभी वापस नहीं किया करती। खुद भूखा रहना, अपनी औलाद को भूखा रखना गवारा करती थी, लेकिन दर पे आए हुए साहिब को लौटाना गवारा न करती थी।
आज हमारे यहां भी दस्तूर है, हमारे यहां भी दस्तूर है, सब इजमा होगी अक्सर। बहरहाल हिंदो पाक दोनों का कल्चर एक ही है तकरीबन, सब इजमा में अक्सर जगह पर नजर रखी जाती है। नजर होती है मरहूमीन, जब नजर होगी तो कहा क्या जाएगा, घर वाले नहीं खाएंगे नजर, कहेंगे ले जाए मोरे साथ में पहुंचा दो। पता नहीं आपका तो नहीं मानो, हमारे लखनऊ में जो है मरहूमीन के नाम से बहुत डरते हैं लोग, मरहूम का कहीं वहां पर साया ना जाए नजर, अगर मरहूम की खा ली गई वहां पर नजर करने गई तो कोई घर वाला खाएगा नहीं कि कहीं मरहूम ने उठा दे दी जाए, तो किसके घर पहुंचा दिया जाए, मौलवी साहब के घर पहुंचा दिया जाए। तीजा चेहरों में जो है मौलाना साहब याद किए जा रहे हैं, अरे कभी उन्हें शादियों भी याद कर लिया करो, अच्छे जगहों में भी याद कर लिया करो। कहते जब खाना बच गया तो कहा कि फकीर को दे दो, जब खाना रह गया तो पड़ोस को पहुंचा दो, जेब से पैसा गिर गया तो पास हफ्ता दे दिया, जब था तब क्यों नहीं दिया, जब जेब में था तब तो अल्लाह याद नहीं आया, अब जब गिर गया कहा मानो तो मैंने सदका दे दिया, आज बहुत ज्यादा सदका मैंने दिया। आप सदका दिया है, वही अगर पहले सदका दिया गया तो अल्लाह शायद कबूल भी कर लेता, जब वो तुम्हारा रहा ही नहीं तो क्या अल्लाह को दोगे तुम। एक शर्वाद दे दे मोहम्मद वाले, अपनी जिंदगियों को आबाद करो, उनकी सीरत पर चल चल के। दरवाजे पर सर्दी में फकीर आकर बेचारे सर्दी के मारे उसका दांत हारमोनियम की तरह कटकट बज रहा है, तो बीवी कहे बीवी से कहते भी नजर आ रहे हैं मुनिसार को, पुराना वाला स्वीटर दे दो, सड़ा खाना पड़ोसी में, मरे का खाना मुनिसार के लिए, और उसके बाद कुरान की आयत पढ़ते हैं, हूरुन मकसूरातुन फिल खयाम, अल्लाह हमें जन्नत में खैमों में सजी सजाई हूरे देगा, हूर नहीं मां हूरा मिलेगा, ऐसे खानों पर ऐसी खैरात पर हूर के।